यस मैम। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बेटा? हेलो मैम, वी आर फाइन एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिविक्स फर्स्ट चैप्टर। तो आपने अपनी सिक्स क्लास में, जो आपकी पिछली लास्ट क्लास थी, उसमें आपने सिविक्स की स्टार्टिंग की थी। बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। उसी में आपने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। आपका एक चैप्टर था ना, गवर्नमेंट क्या है। यस मैम। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी गवर्नमेंट क्या है, वो कैसे काम करती है। अच्छा बेटा, आप सभी को एक बात पता है, हमारी जो कंट्री है, वी आर इंडियन, तो हमारी जो इंडिया जो कंट्री है, यहाँ पर किस टाइप की गवर्नमेंट है, कोई बताएगा? यस मैम। यस अभिषेक मैम, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यस वेरी गुड। तो अब ये बताए आपको बेटा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? हम मतलब जो अपनी सरकार चुनते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू चुनते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है? यस गौरव, आप बताइए बेटा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सरकार का चुनाव किस तरह होता है? बाय वोटिंग। आप सभी ने देखा इलेक्शन होते हैं, सब चीज के लिए, सारी चीजों के लिए इलेक्शन होते हैं। और आपने भी देखा होगा, वो मतलब जो जनता होती है उसके सामने क्या करते हैं, स्पीच देते हैं, उन्हें बताते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम आपके एरिया में इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो जनता है वो उनके फेवर में वोटिंग करे। तो हमारे इंडिया में भी सेम यही टाइप, इसी टाइप की गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। यहाँ पर भी क्या होता है, पहले वोटिंग होती है और उसके बाद सरकार चुनी जाती है। तो बेटा, जो हमारा जो आज का चैप्टर है, इसमें हमें पढ़ना है इक्वालिटी के बारे में। अब इक्वालिटी का और सरकार का क्या रिलेशन है, हमारी गवर्नमेंट और इक्वालिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो बेटा, आप सभी ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुना है। यस मैम। व्हाट आर दीज, क्या है? In these fundamental rights, there are many rights and laws to follow the people. ये जो fundamental right है, ये हमारे लिए compulsory है। तो अगर हमें ये fundamental rights provide नहीं किए जाते, तो क्या situation आ सकती थी, बताएगा कोई? Yes, Mr. बेटा, फंडामेंटल राइट्स अगर हमें नहीं प्रोवाइड किए जाते, तो क्या हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आती, या हम लोग बिल्कुल आज की तरह ऐसी पोजीशन में रह सकते थे? यस अभिषेक, आप बताइए। इफ देयर आर नो फंडामेंटल राइट्स इन आवर कंट्री, all the people do by their way and never rule. बेटा आपकी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपकी आवाज में। तो बेटा, अगर फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिक्स में इक्वल बनाते हैं। मतलब गवर्नमेंट की नजरों में हम सभी इक्वल हैं, और फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर रहने वाले हर एक मेंबर को मिल रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, सबको उनकी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की गई। बेटा, किसी की उनसे आवाज आ रही है? गौरव बेटा, आपकी यहाँ से आवाज आ रही है? आप बेटा अपने आप को म्यूट कर दीजिए, जब आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो आप माइक ऑन करके आंसर कर देना। ओके यस बेटा, तो हम क्या बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर ये हमें नहीं प्रोवाइड किए गए होते, तो हम सभी के लिए रहना पॉसिबल नहीं था। क्या होता ना, जो ज्यादा पावरफुल होता, वो एक मतलब जो ज्यादा पावरफुल लोग थे, वो कमजोर वर्ग को, जैसे अगर हम बात कर ले इकोनॉमिकली स्टेटस वाले, कुछ लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली डाउन हैं,
तो क्या होता अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, तो जो बड़े लोग थे जो ज्यादा इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकली स्टेटस जिनका बहुत अच्छा था, वो दूसरों को परेशान कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, हम सभी इक्वल हैं, हम सभी कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं। ये हमें इस टाइप के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमारे साथ कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाता। चलिए बेटा, अभी क्वेश्चन है, क्या हम मतलब हमें फंडामेंटल राइट्स तो प्रोवाइड कर दिए गए, बट क्या हमारी जो सोशल स्टेटस है, हमारे अगर हम पूरे समाज का देखें, पूरा जो सोशल स्टेटस देखें, क्या सभी इक्वल हैं? क्या लगता है आपको बेटा, हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें एक राइट प्रोवाइड किया गया है, इक्वल हैं सभी, समानता का अधिकार, हम सभी इक्वल हैं, तो लेकिन क्या ऐसा है जिसको हम अपने चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे? बट आप में से किसी को क्या लगता है, हम सभी इक्वल हैं बेटा? यस मैम चलिए अभी चैप्टर रीड करते हैं, इसमें हमारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यस मैम हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इक्वेलिटी, यानी समानता। बेटा आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये हमें बहुत सारी नॉलेज आने वाला है, इस चैप्टर के थ्रू हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। ओके यस मैम चलिए हम अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इक्वालिटी। अब हम जानेंगे इसे एक पिक्चर के थ्रू। ये देखिए, ये आपको ये पिक्चर दिख रही है बेटा सभी को? यस मैम यस मैम आपको पता है ये लोग लाइन लगा के क्यों खड़े हैं? ऐसे जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हैं मॉर्निंग में, जब आप असेंबली में खड़े होते हैं तो ऐसे ही लाइन लगा के खड़े होते हैं ना, ऐसी रो बना के। यस मैम यस मैम अब ये लोग यहाँ पर रो में क्यों खड़े हुए हैं? प्रेयर तो कर नहीं रहे ये लोग, तो क्यों खड़े हुए हैं? ये बेटा इलेक्शन में गए हैं वोट डालने के लिए, और वोट के लिए, अपना वोट देने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन से पर्सन हैं जो वोट डालने गए हैं। पहली है मंजीत कौर जो कि टीचर हैं, सेकंड है हमारे तेजा सिंह जो कि ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, गिरीश राव जो कि एक स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है, नेक्स्ट है हमारी कांता देवी जो एक डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू कामकाजी महिला जो किसी के यहाँ काम करती है, घर का काम, जैसे हम आज के समय में मेडवाइफ या नौकरानी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है सुजाता कुमारी, ये भी एक डोमेस्टिक वर्कर। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी सारे ऑक्यूपेशन के लोग हैं, लेकिन ये सभी वोट डालने गए हैं, यानी कि हम पॉलिटिक्स की नजरों में लेवल पर हम सभी इक्वल हैं। क्योंकि जब हम वोट डालने जाते हैं तो ऐसा नहीं कहा जाता कि हम तुम वोट नहीं डाल सकते क्योंकि तुम बैकवर्ड हो, या फिर ऐसा भी नहीं कहा जाता कि तुम वोट नहीं डाल सकते क्योंकि तुम्हारा इकोनॉमिक स्टेटस डाउन है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो सभी वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेटस का हो, किसी फैमिली बैकग्राउंड का हो, या किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का हो। ठीक है, यानी हम सभी को पॉलिटिक्स में समान माना गया। ठीक है, अब बेटा स्टोरी रीड करते हैं। स्टोरी हमें क्योंकि हमें जानना है क्या हम रियल में इक्वल हैं, इसीलिए हमें ये स्टोरी पढ़नी है। तो पहले हम इक्वलिटी के बारे में पढ़ते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, हम सबको पता है कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर सरकार कौन चुनता है, जनता चुनती है, वो वोट देती है, और जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही क्या हो जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है। इन द क्लास सिक्स बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हमने अपने सिक्स क्लास में बेटा क्या किया था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो किस तरीके से काम करती है। तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, आपने मतलब सिटी गवर्नमेंट के बारे में, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा था। जो रूरल जो गवर्नमेंट है, यानी जो हमारे गाँव में जो सरकार, उसके बारे में पढ़ा था।
सिटी गवर्नमेंट के बारे में भी बात की थी, सभी पर अलग अलग लेवल की सरकार है, क्योंकि अगर एक अकेली सरकार को खो दिया जाए, हर एरिया की सरकार ना बनाई जाए, तो क्या होगा, किसी भी एक आदमी के लिए सारे कामों को देखना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए क्या किया जाता है, हर लेवल की अलग अलग सरकार बना दी जाती है, ठीक है। दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब ये जो लोकतंत्र है कैसे होता है, तो जुड़े होते हैं, इन सभी का पार्टिसिपेशन होता है, सभी की रेजोल्यूशन होता है, सभी की दृढ़ता, और कभी कभार क्या होता है, संघर्ष। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सरकार चुनी जाती है उसमें आपस, अगर मतलब आप सभी ने सुना होगा इलेक्शन के टाइम पे दो पार्टी या तीन पार्टी खड़ी होती है, होता है ना ऐसा? यस मैम, यस मैम। ये आपको पता है अभी आज के टाइम पे कौन कौन सी पार्टी पॉपुलर है, कौन कौन सी पार्टी खड़ी होती है जिन्हें हमें वोट डालना होता है? हम चार पांच में से किसी एक को चुनते हैं, ये सब अभिषेक मैम। फर्स्ट बीजेपी, सेकंड कांग्रेस, थर्ड बीएसपी, फोर्थ एसपी। यस बेटा, वेरी गुड। तो क्या क्या होता है, जो ये सरकार चुनी जाती है ये कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू चुनी जाती है, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू इलेक्ट होती है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, कॉन्फ्लिक्ट जब चार पांच लोग खड़े हो, सबके बीच में चुनाव हो, तो क्या होता है, वो एक दूसरे के सपोर्टर नहीं होते, एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग मिलकर वोट चाहते हैं, सभी को अलग अलग वोट चाहिए होते हैं, और तभी ऐसा होता है कि जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही सरकार बनती है। तो यहाँ पर ये किसके थ्रू बनती है, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू। कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है, संघर्ष या स्ट्रगल, ठीक है। ये तीन चार पार्टियां आपस में स्ट्रगल करती हैं, और जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं वही सरकार बन जाती है। अब आगे हम पढ़ते हैं, इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शन। अब जो डेमोक्रेसी है बेटा, ये हमारे सरकार का एक गुण है, लोकतंत्र का एक गुण है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जनता की सरकार, लोगों की सरकार। तो इसमें क्या है, सभी को बराबर माना गया है, और जो सरकार चुन के आती है वो सभी की मदद से, सभी की इच्छाओं से चुन करके आती है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पर हाथ नहीं होता, सारे लोग मिल करके सरकार को चुनते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी। हम इस चैप्टर में इक्वालिटी के बारे में ब्रॉडर टर्म में जानेंगे, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या सभी बराबर है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। और हम ये भी पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में कि क्या हमारे इंडिया में सभी लोग बराबर हैं रियल में, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि सभी लोग बराबर हैं, बट क्या रियल में ऐसा है, क्या हमारे देश में रहने वाले सभी लोग बराबर हैं, सभी के साथ बराबरी का बिहेव किया जाता है, ठीक है। तो अब हम किसके थ्रू जानेंगे, कांता के स्टोरी के थ्रू। अब बेटा आप सभी को ये स्टोरी ध्यान से सुनिए, क्योंकि स्टोरी को पढ़ाने के बाद मैं आप सभी से चार पांच क्वेश्चंस खुद करूंगी, तो ये क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह समझ रहे हैं, ठीक है। यस मैम, अब ध्यान से सुनिए आपको स्टोरी। ऑन इलेक्शन डे, यानी चुनाव का दिन था, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। अब इलेक्शन वाला दिन है, कांता और उसकी दोस्त सुजाता, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, पिक्चर दी हुई थी, ये दोनों ही डोमेस्टिक वर्कर हैं जो किसी के यहाँ काम करती हैं। तो ये वोट की लाइन में खड़ी हैं और अपने वोट डालने का इंतजार कर रही है। इज नॉट इट इज गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ अवर कंट्री। अब जो कांता है वो सुजाता से क्या कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है सुजाता, हम सभी बराबर के नागरिक हैं, हम अपने देश के जितने भी नागरिक हैं वो सभी बराबर हैं। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। अब ये क्या बोल रही है, जो कांता है वो ये कह रही है कि जो जैन साहब है वो भी हमारे साथ ही लाइन में खड़े हैं। अभी बेटा जैन साहब कौन है, जैन साहब कांता के मालिक हैं जिनके यहाँ ये काम करती है, ठीक है। तो कांता खुश होकर सुजाता से बताती है कि सुजाता कितनी अच्छी बात है, हम सभी बराबर हैं और हम सभी लाइन में एक साथ खड़े हैं, हमारे मालिक भी खड़े हैं, कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा। अब क्या होता है, जो सुजाता है वो बोलती है यस, हाँ हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। अब आगे क्या होता है, फिर
गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। अब लाइन में लगे लगे कांता का नंबर आ गया, फिर ये जाती है वोट डालने के लिए। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग 5 वाटर टू अवर एरिया। अब बेटा जो कांता है वो किसको वोट डालने को डिसाइड करती है? अभिषेक? यस अभिषेक। मैम द कैंडिडेट हु प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग वाटर पाइप इन द एरिया। जैसे कि बेटा मैंने अभी आपको बताते टाइम एग्जांपल दिया था कि जो जितने भी नेता होते हैं जैसे कि पार्टी के, वो हमें प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके एरिया में इस टाइप की फैसिलिटी लाएंगे, लाइट लगवा देंगे, यहाँ पर बिजली आ जाएगी, सड़कें पक्की बन जाएगी। तो ऐसा ही इसी टाइप का कोई वादा कांता से भी किया गया होगा। तो कांता क्या सोचती है, उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने हमारे एरिया में पाइप लाइन मतलब वाटर लाने का वादा किया था कि अब पानी आने लगेगा आपके एरिया में। ठीक है, अब फिर पढ़ते हैं अब नेक्स्ट में क्या हुआ। ये देखिए बेटा, ये हमारी रो कंप्लीट नहीं हुई थी, इस लाइन में और भी लोग खड़े थे। चलिए इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम स्टोरी कंप्लीट करते हैं। ओके, तो अब आगे क्या होता है, कांता ने डिसाइड किया कि मैं उसे वोट दूंगी जिसने हमारे एरिया में पाइपलाइन लाने के लिए कहा था। आफ्टरवर्ड्स, अब कुछ समय बाद क्या हुआ, वी विल सी यू लेटर कांता। अब जो कांता के मालिक थे जैन साहब, वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे। उन्होंने क्या बोला कि हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, मतलब जब तुम काम करने आओगी तब मिलेंगे। यस नमस्ते साहब, कांता ने नमस्ते कर दिया। अब आगे क्या होता है, फिर गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर, यू हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। अब बेटा ये कांता है, ये सुजाता से बात कर रही है, डर जाती है कि मेरी बेटी गुड़िया है जो बुखार से पीड़ित है, बहुत तेज बुखार है उसे और मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट। अब कांता आगे क्या बोलती है, लेकिन मुझे पहले जाकर के साहब के घर का काम कंप्लीट करना है और कुछ आस्क फॉर सम एडवांस। पहले जाके उनके यहाँ काम करना है, फिर उनसे कुछ एडवांस लेना है। एडवांस मतलब पैसे लेने हैं ताकि वो हॉस्पिटल में जाके अपनी बेटी का इलाज करा सके। तो मैं जाके बेटा इतना। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब जब कांता घर आती है तो क्या होता है, देखिए, हेयर हैव सम ऑफ दीज, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग यू विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, कांता अपनी बेटी को देखे ये चाय दे रही है, कहती है कि तुम्हारे लिए यहाँ कुछ है, इससे तुम बैठ, तुम्हें थोड़ा हल्का महसूस होगा, आराम महसूस होगा और मैं लौट कर आऊंगी। इसे कहाँ जाना है बेटा, कौन बताएगा कांता को कहाँ जाना है, कहाँ से लौट के आएगी वो? यस अनुभव, आप बताइए। फ्रॉम हिज ओनर हाउस। यस, फ्रॉम हिज ओनर्स हाउस, उसे अपने मालिक के घर जाना है, वहां वो काम करके आएगी, कुछ एडवांस लेके आएगी और उसके बाद अपनी बेटी को ले जाएगी। तो अपनी बेटी चाय देती है पीने के लिए, कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ है जिससे तुम बेटर फील करोगी और जब मैं घर वापस आऊंगी तब हम हॉस्पिटल चलेंगे। ठीक है, अब ये क्या करके कांता जो है वो घर से बाहर निकल आई। इट इज नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन। अब देखिए बेटा, ये जो इसकी बेटी है कांता की, जो लड़की है, वो क्यों बीमार हुई है? देखिए यहाँ पर ये जो इसका एरिया है, जिस कॉलोनी में इसका घर है, वो कॉलोनी बहुत ही ज्यादा गंदी है। तो अब कांता क्या कह रही है, इसमें कोई हैरानी की बात है ही नहीं कि गुड़िया बीमार क्यों पड़ गई, जब हमारे बस्ती में, हमारे कॉलोनी में इतनी ज्यादा गंदगी रहेगी तो हर बच्चा बीमार पड़ेगा, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, फिर देखिए आ गई यहाँ ऑनर हाउस में। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, ये इसकी मालकिन है जो कांता को एडवाइस दे रही है कि तुम सारे कोने की अच्छी तरह सफाई करना। श्योर मतलब मेक श्योर टू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, कॉर्नर्स की सफाई अच्छी तरह करना, बिल्कुल श्योरली करना, कॉर्नर अच्छी तरह साफ होना चाहिए। ठीक है, अब जो कांता है उसने सफाई की, उसके बाद क्या हुआ, हेयर्स योर एडवांस। अब जो इसकी मालकिन है ये इसके हाथों में एडवांस दे रही है
और क्या कहती है फिर, कांता बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट. उसने एडवांस दिया कांता के हाथ में, लेकिन साथ में एक बात कही उसे, क्या कहा कि इसे अपनी आदत मत बनाना. बेटा किस चीज के लिए बोला है कि आदत मत बनाना? मैम आवाज बंद कर रहा थी. बेटा मुस्कान आपको आवाज नहीं जा रही है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद. यस मुस्कान. बेटा जो कांता की जो मैम है, जो उसकी मालकिन है, उन्होंने किस चीज के लिए बोला? यस बेटा आवाज आ रही है. जो लाइन उसने मॉर्निंग में लगाई थी और जो लाइन अब लगाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस था? यस अभिषेक. When in the morning she was stand in the line to give the oath, so it so that in the political people are believed as equal, but in the evening he was standing in the line in the front of the government hospital to टेक केयर ऑफ हिज. यस बेटा अभिषेक. यस राइट राइट. बेटा आपने बिल्कुल सही बताया अभिषेक. जो मॉर्निंग में जो उसने लाइन लगाई थी, मॉर्निंग वाली लाइन में क्या हुआ था, वो वोट डालने के लिए खड़ी थी, बहुत ही खुश थी क्योंकि वहां पर सभी लोग उसके साथ थे, उसे ऐसा लग रहा था कि हम सब लोग इक्वल हैं. यस मुस्कान आप बताइए. वॉइस क्लियर नहीं आ रही. यस बेटा आप सभी को आवाज आ रही है. मैम व्हेन वी गेट इक्वल राइट्स फॉर एवरीथिंग इज कॉल्ड इक्वालिटी. यस गौरव नाउ योर टर्न. आप बताइए व्हाट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी व्हेन वी गेट इक्वालिटी टू डू समथिंग विद ऑल इज कॉल्ड इक्वालिटी. अभिषेक यू टेल. यस अभिषेक. मैम इक्वलिटी इज द की फैक्टर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इन्फ्लुएंस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग. यस बेटा वेरी गुड.
तो इक्वालिटी के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं, बस अभी अब जो ये चैप्टर है इसका हम डिटेल में ये पढ़ेंगे बेटा कि जो इक्वालिटी है वो किस लेवल तक हमें प्राप्त मतलब मिली हुई है और किस लेवल तक हम नहीं अभी तक पहुंच पाए इक्वालिटी के। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फैटनेस। अभी हमने डिस्कस किया था ना चैप्टर में, यस बेटा कौन बताएगा यूनिवर्सल एडल्ट फैटनेस क्या है? मैम प्लीज बेटा आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को? यस मैम। बेटा फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब नए टॉपिक के साथ। ओके गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम।